जींद रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर एक बार फिर आया पानी, आवाजाही में हुई परेशानी। जींद राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर पिछले एक महीने से लगातार पानी की आवक जारी थी, तो ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग एजेंसी द्वारा पानी को रोकने के लिए साथ में मिट्टी डाली गई थी, लेकिन एक बार फिर पानी के बहाव ने उस मिट्टी को बहा दिया और सड़क के ऊपर से पानी गुजर रहा है, जिससे आने जाने वाले वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहने को तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन इसका हालात इस प्रकार से है कि जैसे कि कोई ग्रामीण क्षेत्र का रास्ता हो। वहीं रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह टोल नाके लगाकर पैसे की वसूली तो करता है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों की हालात बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग एजेंसी। जुलाना व जींद के रास्ते पहले ही खराब हैं, तो वहीं रोहतक की ओर जाने वाला रास्ते पर पानी भराव के कारण एक बार फिर परेशानी का सामना यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि जल्द इस रास्ते को ठीक किया जाए, नहीं तो होने वाले किसी भी नुकसान का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग को देना चाहिए। ये समस्या हुई समस्या भाई, पानी देखो रोड पे मोटरसाइकिल आधी डूब गए। अच्छा, कितना है पानी? यो पानी तो यो बरसात का है। अच्छा, कितना पानी है? पानी तो ये मान लो इतना भी गोड्डे थी।